पहले हमारे बादशाह भी हमारे लोग दो सबको अनुभव सुनाएंगे। हमारे बीच में विजय भाई जी आ चुके हैं, आप लोग विजय भाई जी के लिए थोड़ा सा ताली बजाएंगे। ओम शांति। ये जब ये पट्टिया से भी शुरू में करने के लिए प्रारंभ किया उस समय की पट्टी में ये विजय कुमार पायल हुआ, उस समय से करीब सेंटर्स में पट्टी कराने के लिए मुझे उमंग बढ़ा के टिकट रिजर्व करा के फोर्स करा के मेरे पीछे पड़ करके पट्टी कराने के लिए मिली यही भाई बने। और हमारा मधुबन महायज्ञ में अभी जो अनाज चावल हम लोग खा रहे हैं वो पूरा साल के लिए जितना राइस सप्लाई होना है वो सब कुबली जोन से कनेक्टेड सेंटर्स से और कई सेंटरों के तरफ से वहाँ अनाज बेच के बाबा के महायज्ञ का कई तरह से सेवा और बचत करना के निमित्त भी यही विजय पाए बनेंगे। और सर कानपुर में उत्तर प्रदेश में आने का उसका यही एक लक्ष्य था, एक तो मट्टी में आना है, दूसरा यहाँ कभी थोड़ा अनाज के बारे में जानकारी लेना है। भाई साहब आपको डिटेल बताते हैं। ओम शांति। आप सभी मधुबन जाते हैं ना, जो मधुबन में चावल बनता है पूरा दक्षिण भारत से चावल पहुंचता है। विजय भाई जी का अपना भी राइस मिल है और पूरे साल में मधुबन में बहुत चावल का खपत होता है। उनकी एक विशेषता है बाबा के यज्ञ में कोई भी चीज़ सही रेट मिले, क्योंकि बड़ा त्याग से सहयोग से धन का प्राप्ति होती है, दूसरा क्वालिटी का ठीक है। तो इस समय दक्षिण में बारिश का ठीक न होने से चावल बहुत महंगा हो गया और यहाँ उनको पता चला यूपी में चावल सस्ता है। तो दो दिन पहले आके पूरा मार्केटिंग देखा, अभी हम लोग सारा राइस मिल में जाने वाले हैं, वहाँ से यहाँ में बहुत रेट चावल का कम है, यानी एक पर केजी पे 10 किलो कम है, तो कई ट्रक जाएगी आप समझ लीजिए। तो ये जब भी मधुबन आप लोग जाते हैं तब लोगों को वहाँ की भाई लोग हर एक डिपार्टमेंट में इतना मेहनत करते हैं ये पता नहीं चलता, एक एक चीज़ को लाने में पूरा हिंदुस्तान को ढूंढना पड़ता है ताकि कम पैसे में सही चीज़ मिले। आप लोग कैसे लेते चीज़ जाकर कम पैसे में सही चीज़, ये विशेषता हमारे विजय भाई के लिए जोरदार से ताली बजाई। और अभी उन्होंने संकल्प ले लिया है कानपुर से चावल भेजने का। टोटल हमारे मधुबन में 20-25 ट्रक लगता है चावल पूरा टोटल, उन्होंने संकल्प ले लिए पूरा साल भर में। तो इतने एक सिस्टम है, नया चावल बेचते हैं उसका सिस्टम बना, वो 1.5-2 साल में पुराना हो जाता है मधुबन में, उसका बड़ा वो प्रोडक्शन दे के रखते हैं, फिर वहाँ पर उसका यूज होता है। तो उनका भी हम चाहेंगे दोस्तों को अपना अनुभव सुन। ओम शांति। टोटल में एक मौका मिले, मेरे परिवार में 3 भाई लोग हैं। फर्स्ट 2008 में बाबा हमको मिला, संकल्प किया टोटल मेरा परिवार बाबा के बच्चे बनाने का संकल्प किया। ये संकल्प अनुसार बाबा टोटल बच्चे बाबा का बच्चे हो गए। मेरा घर ओम शांति घर बन रहे, टोटल बाबा का टोटल 13 लोग हैं, टोटल बाबा का घर में जाता परिवार हो गया। मैं इसके लिए मेरे देखने से ओम शांति वाला फिर मन बढ़ गया। स्टार्टिंग में 2010 में हम बेंगलुरु गया, उधर भाई जी मंजुनाथ भाई जी का क्लास क्लास अटेंड किया, बहुत खुश हो गए, बहुत अनुभव भी हो गया। हम अभी बाबा के सामने संकल्प किया इसे भाई से नेक आत्मों का इसे भर्ती करने से खुश होता, वो संकल्प बाबा के सामने किया, वो बाबा 2-3 ईयर्स में
वो संकल्प साकार किया, वो संकल्प ने वो बाबा बच्चे कोई भी सच्चे दिल से बाबा के पास कोई भी सच्चे संकल्प किया तो सेवा में हो जाता, वो खुशी इतना खुशी कोई भी जगह में कर्नाटक आंध्रा कहीं कहीं महाराष्ट्र भी भाई का फोन में कोई खास किया भाई जी बाबा के कोई जगह में कराए खुश हो जाते, इसके लिए हम भी खुश हो जाते हैं। इसके लिए स्टार्टिंग में वो भाई जी के पास आने का बहुत संकल्प किया, बहुत खुशी है वो इस कानपुर में आने के लिए, इस बड़ा परिवार बाबा का परिवार का आशीर्वाद संकल्प करने का वो बाबा निमित्त इधर भेजे। इस समय में रईस बहुत कम है इधर, हम एक एक पैसे बाबा बोलता ना बाबा भंडार बचने के बहुत भाग्य है, इसके लिए बहुत खुश है भाई जी हमारा प्रकाश भाई जी उमा बहन जी टोटल बहन लोग परिवार देखकर बहुत खुश हो गया। इतना तीन रोज से हम देख रहे हैं कोई गड़बड़ नहीं, बहुत खुशी से शांत रूप से हम भाई जी के देखने से ब्रह्मा बाबा को देखने से अनुभव हो रहे हैं इतना शांत। उमा बहन जी वैसे हैं और सभी ब्राह्मण परिवार बहुत तो भाग्यशाली क्या इतना बड़े इतना अच्छी निमित्त बाबा निमित्त बनकर आपका सेवा करने बहुत खुश हो गया। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम आदिशेष भाई, मैं मधुबन में 20 साल से रहता हूँ, अंदर मकान में रहता हूँ, अंदर सेवा करता हूँ, एक ऐसा डिपार्टमेंट में सेवा करता हूँ। मैं इधर कर्नाटक में रहता थे पहले, कर्नाटक से उधर जाके उधर सेवा करने के लिए रहा है, मैं कर्नाटक में कभी कभी आता हूँ। उस समय मैं विजयवाड़ा में गए थे, उस समय वो दोनों मंजुनाथ भाई जी विजय भाई दोनों आए थे, उसी समय मेरे को परिचय हो गया। मैं उसका क्लास में यूट्यूब में डाल के मैं सुना है, बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैं इसके वो भट्टी सुन के मैं बहुत वो 7 तारीख जा रहा हूँ, इसलिए मेरे को अच्छा लगा। इसलिए मैं भी हमारे गांव में सभी लोग को बताया, उधर भी मैं भट्टी लगा उधर भी मैं वो प्रोग्राम लगाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगा है, आपको भी अच्छा लगा है। फिर बाद में एक बार दूसरा दफा बाबा का परिवार सभी बाबा के बच्चे वो ध्यान में करके आपकी आपको लाभ उठाता है ऐसा मेरे को संकल्प आ गया। सभी लोग बाबा के एक बार दूसरा में कोई ऐसे संकल्प में सभी कार्य में रहा है तो आपको भी दुआई मिलेगा, उनको भी क्लास करवाया ना उनको भी आपका तरफ से दुआई आशीर्वाद भी मिलेगा। ओम शांति।